वेलकम टू किचन कपल। और आज हम लोग बनाने वाले हैं प्याज की ज्वालामुखी अनियन वालकानो। आइए देखते हैं कैसे बनता है। फिर से साथ में बोलिए बोलिए। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं अनियन वालकानो, प्याज की ज्वालामुखी। आइए देखते हैं कैसे बनती है प्याज की ज्वालामुखी। तो उसके लिए सबसे पहले करेंगे इसकी कटिंग। इसकी कटिंग करनी होती है और मैं बैठ करके देखूंगी। नाम तो है किचन कपल पर मेरे पति देव सब करेंगे और ये और महारानी जी होगा। ये महारानी जी बैठ के देखेंगी और मैं सारा कुछ करूंगा। ये गया तवा, विनोद का तवा है, बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी। गजब मास्टर शेफ वाला काम बहुत अच्छा है। थोड़ा सा टूट गया है लेकिन चलेगा। आपको वोल्केनो दिखाते हैं। ये कुछ ऐसा है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और अब थोड़ा सा स्पेशल इंग्रेडिएंट। चारों ओर से आग लगेगी अभी इसमें। अभी थोड़ा बाहर बाहर भी जल रही है आग, मटेरियल थोड़ा बाहर निकल गया है। तो ये जो वोल्केनो है, ये जो प्याज वाली ज्वालामुखी है, इसके किनारे किनारे फेरे लेके 7 फेरे भी लिए जा सकते हैं, शादी ब्याह भी किया जा सकता है। तो ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। ये जो वोल्केनो है, प्याज का वोल्केनो, अनियन वोल्केनो, इसकी आग में 7 फेरे लेना चाहते हैं, खाना पकाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? खाना पकाना चाहते हैं क्या? तो ये खाना बनाना चाहती हैं इसमें। तो ये था हमारा प्याज की ज्वालामुखी। तो किचन कपल के किसी दूसरे वीडियो में फिर से मिलते हैं। यही किचन होगा, यही बर्तन होंगे, यही सारी चीजें होंगी और यही वाली बीवी भी होगी और यही वाले हस्बैंड भी होंगे। लेकिन रेसिपी कुछ अलग होगी, चीज कुछ नया होगा, नया कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, इन्फॉर्मेशन भी होगी, इंटरटेनमेंट भी होगी, रेसिपी भी होगी, स्वाद भी होगा, लज्जत भी होगा और लव भी होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।